अरे यार, ये तो मेरे साथ चौपट हो गया। देखो गाइस, सपना अपने भतीजे को क्या लेके आई है, भतीजे को सरप्राइज नहीं दे पाई यार। शिट गाइस, मैं सरप्राइज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। यार मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेकर, और आज का ब्लॉग है कुछ इस तरह से कि आज है कुछ सरप्राइज। मतलब आज ये सरप्राइज है कि आज सपना आ रही है, और घर पे किसी को नहीं पता कि सपना आ रही है, और सिर्फ मुझे पता है। उसने मुझे अभी फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ, घर पे किसी को मत बताना, मुझे सरप्राइज़ देना है। तो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, तो देखते हैं गाइस सरप्राइज़ देख के कितना खुश होते हैं मेरे घर वाले। व्लॉग है, क्या बना रहे हो आप? चिकन। किसके लिए? घिया बना रही हूँ। सौन मेरे ना, कौन खाता चिकन? है मम्मी, आपकी बात हुई सपना से? कब? नहीं नहीं। अच्छा, क्यों? नहीं ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ, ये चिकन देता है। क्या बोला? वीडियो कॉल आई थी उसके। क्या बोला उसने? कुछ नहीं, बाहों देखा और क्या बोलना था। क्यों ऐसे क्यों पूछ रही है? ऐसे पूछ रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। सपना का नाम होना जरूरी है तेरे उस ब्लॉग में। हाँ, तभी तो मेरा ब्लॉग चलेगा सपना के नाम से। अभी मम्मी बना रहे हैं खाना, और घी की सब्जी बना रहे हैं, और कुछ और भी बन रहा है जो अभी नहीं बता सकती मैं। सावन का महीना है ना। ये देखो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि मैंने अपने इसको दिखाया नहीं अभी तक। इसको दिखाई देती हूँ आज। लो, मैंने इसको अभी तक व्लॉग में, शायद शॉर्ट्स में लिया है मैंने, लेकिन मैंने इसको व्लॉग में आज तक नहीं लिया। मैं आज इसकी इसका फेस दिखाई देती हूँ आज। देखो ये है मेरा भतीजा, ये देखो बूढ़ी मम्मा। इतनी बड़ी उबासी, अभी सो के उठा है, दिन भर सोता रहता है ये। किसी का दो बूढ़ी मम्मा को। सो फाइनली गाइस, सरप्राइज पूरा होते होते ही चौपट हो गया है। मम्मी को पता चल गया है, क्योंकि मम्मी बाहर बालकनी में टहल रही थी, और उतने में सपना की गाड़ी आ गई थी सड़क पे, और मम्मी ने उसको बालकनी से देख लिया था। तो सारा प्लान चौपट हो गया। पर ये नहीं पता कि सपना ही है, मैंने सपना को देखा नहीं है। आपको कैसा लगा? बेटा आपने बोल दिया, मम्मी को कंफर्म नहीं था। धिक्कार है हम पर। मम्मी को अभी तक कंफर्म नहीं था, और मैंने अपने मुंह से बक दिया। मैं तो गाड़ी दे क्या आया है, मैं को थोड़ी देर और भी हो सकता है। अरे यार, ये तो मेरे साथ चौपट हो गया। कोई उतरा था ना बाहर? नहीं उतरा भी है। सो गाइस, फाइनली बेल बज चुकी है और सपना आ चुकी है। नहीं किया मैंने, मम्मी ने बाहर से देखा, तेरे को पता है? मैंने छुपने की कोशिश की बहुत सारी, और मम्मी बालकनी में, और मैं बालकनी में ही खड़ी थी। मेरे को पता था गाइस, और मैं मम्मी से पूछना, मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया था, बिल्कुल भी नहीं। और वो तो मम्मी बाहर टहल रहे थे, वही तो मेरे और मम्मी।
और जैसे तू पहुंची ना, मैंने बोला सुन कहा आ रहा है कि गाड़ी, जैसे तू पहुंची ना मम्मी बोलते मेरे को पता चल गया सरप्राइज, गाइस सपना आ गई है। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, ये किसके लिए लाया है, चिकन रख देना रब्बी के लिए। मम्मी बोलते रब्बी तो बहुत साथ है, वो नहीं है। देखो ये मेरे के लिए सपना क्या गिफ्ट लेके आई है, ये बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए और खेलने लायक हो जाए। और हाथ में बाहुबली पिंपल सा हो गया, ये तो कालू ही सा हो गया, ये रात को कालू लगता है, जाता है। हमने इसका नाम रखा है वैसे शिवांश, पर घर पे सब इसको घर पे इसके साथ मोगली बोलते हैं। ये इसके साथ हो ना, टॉवल के ऐसे ही ऐसे देखो शक्ल भी ऐसी लग रही है। तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? सरप्राइज मुझे खुद लग गया था पता कि हरियाणा की गाड़ी आई थी, दिन से लेकर मेरे को पूछ रही थी कि मम्मी सपना ने फोन किया, सपना ने फोन किया, शाम जैसे को मेरे को वीडियो कॉल किया और उसने मेरे को अपना चेहरा नहीं दिखाया। मुझे बुरी लगी थी तो फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा उसकी बात हो रही है, तो रात को मैंने देख लिया खुद, मैं बालकनी में थी तो मैंने देख लिया कि हरियाणा की गाड़ी है, तो इसका मतलब सपना ही आई है। हाँ, और वो भी हमारे घर के नीचे क्यों रुकेगी है ना, हरियाणा की गाड़ी वो भी हमारे घर के नीचे, तो मम्मी को डाउट हो गया था और सारा प्लान हमारा चौपट हो गया गाइस। मतलब अब इतना सक्सेस होने वाला था सरप्राइज, बट मम्मी ने जब बालकनी से देख लिया तो सब कुछ चौपट हो गया। पापा के साथ बहुत बिजी है ये, तो मैंने इसको रिपेट कर दिया, बस कर बस कर यार सपना, बस कर सपना, इतना ये नहीं मिला इसको अभी तक, बेचारे को किसी ने नहीं किसको ऐसी पाई, बोलना बच्चा बोल दे स्टोरी स्कूल अच्छा। थैंक यू गाइस, नहीं सॉरी गाइस, मैं सरप्राइज नहीं दे पाई यार, शिट गाइस मैं सरप्राइज नहीं दे पाई, बाकी तो मुझे मेरे को मम्मी ने देख लिया था सुबह से, मैं छुप छुपाते हुए आ रही हूँ, मेरा मुझे लगा डाउट हो गया होगा मम्मी को कि मैं आ रही हूँ क्योंकि मेरा फोन बंद था बस लाइट। देखो गाइस सपना अपने भतीजे को क्या लेके आई है, भतीजे को भतीजा भतीजा नहीं होता है भतीजा भतीजा। ये ना फिर बोलो नहीं बोलो चल काके के लिए बोल रही हूँ मैं, पतिजे के लिए, देखो पतिजी के लिए लग रहा है, पतिजी बोलते देखो सपना अपने पतिजे के लिए क्या लाई है, भतीजा नहीं है भतीजा 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 हाँ भतीजा बोलते मैंने कैमरे के आगे बोलना है, रुको बोलते मैंने बोलना है कैसे देखो गाइस दो पोता एक पोती और एक तीसरा अपनी मम्मी की गोद में, ये पोती है, ये पोता है, ये गेंडा पोता है, ये पोती है लड़की, ये गेंडी है, ये गेंडी मम्मी भी क्या जो बोल रहे वही नहीं बोल रहे, बड़ी बकवास कर, मतलब अब भी मम्मी ने बंद कर कैमरे के पीछे तो बोलना, मैंने बोलना है ससा की ये लाइए सपना जैसे कैमरा देखो पोता पोती लाइए मेरे लिए। देखो गाइस चलो बोलो फिर से बोलती हूं, ठीक है देखो गाइस चलो बोलो फिर से बोलती हूं, ठीक है एक्शन। देखो गाइस ये सपना लेके आई है दिल्ली से, और ये क्या है गेंडू, और ये क्या है पांडू ये यूनिवर्सल की अपने
भतीजे के लिए लेके आई है, भतीजे के लेके आई है। और एक मेरा चुन्नू मुनिश हो गया है, इनके साथ सुलाऊंगी अब इसके। गाइस आते ही सपना ने अपने बचपन की फोटोज निकाल दी है और ये देखो बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। क्या आप अपनी एक फोटो शेयर करना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? दो मिनट तो दिखा, थोड़े से दिखाऊंगी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करने वाली हूँ और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।